मेरा नाम फारूक हबीब है और मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, वहाँ से मैं रुकन कौमी असम्बली हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं वज़ीर आला उस्मान रुज़दार की क़यादत के अंदर, और आपके इल्म में है कि जिस तरीके से जो साउथ पंजाब का एरिया हमारा एक नेगलेक्टेड एरिया था, वहाँ पर साउथ पंजाब का एक सेक्रेटेरिएट अलग से बनाया गया है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके मसाइल जो हैं उनके डोर स्टेप के ऊपर हल हो सकें, उनको यहाँ पर लाना चाहे। और हेल्थ सेक्टर के अंदर जो मदर एंड चाइल्ड केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हुकूमत उन हॉस्पिटल्स को बना रही है। और लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज का जो सिस्टम बनाया है जिससे लाहौर की सड़कों के अंदर पानी नहीं खड़ा हो रहा। और आप देखते थे कि माजी के अंदर सीएम पंजाब जो है वो लंबे बूट पहन के पानी के अंदर खड़े होते थे, अब आपको इस किस्म के मनाजर जो है वो नज़र नहीं आते। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन जो है वो पंजाब में हुई और एक बड़ा बेहतरीन लोकल बॉडीज़ का जो है वो सिस्टम यहाँ पर मुतारफ करवाया गया है, एक कानून पास किया गया है जिसमें सही मानों में इख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को फराहम किए जाएंगे। कोरोना के अंदर सूबा पंजाब की एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मुतासर कुन कारकर्दगी रही है, जिस तरह हमारे हॉस्पिटलों को की तरफ जो है वो रश पड़ रहा था, अब उसी के अंदर जो है वो कमी भी आई है और बेहतरीन परफॉर्म किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान रुज़दार का ताल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से है और उनको नुमाइंदगी दी गई है, उनको वज़ीर आला बनाया गया है और इंशाल्लाह जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सूबा पंजाब के अंदर बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। ख़ास तौर के ऊपर 1200 स्कूल जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो अपग्रेड किए गए हैं। तो कोई भी शोबा हो, हर शोबे के अंदर जो है वो खातिर खा काम हुआ है। आप देखेंगे कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो वादे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं।